नमस्कार। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट हम कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब आप इस क्वेश्चन में बच्चों देख पा रहे हैं कि इसमें दो जने हैं, एक है जैकब और एक है उसका पुत्र। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब है आज की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो कंडीशंस दी हैं, हम दोनों कंडीशंस को एक एक करके देखते हैं। पहली कंडीशन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो ध्यान से, 5 वर्ष, आज जैकब की उम्र है एक्स, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। जैसे आज आप 10 साल के होंगे, 5 साल बाद 15 के हो जाएंगे, यानी 10 प्लस 5। ऐसे जैकब आज एक्स का है, एक्स साल का है, एक्स वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5। इसी प्रकार से पुत्र आज वाई वर्ष का है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी वाई प्लस 5। प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना और जैकब की आयु, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जैकब की आयु 5 साल बाद वाली पुत्र की आयु 5 साल वाली के 3 गुनी के बराबर होगी। तो x प्लस 5 बराबर है 3 गुना पुत्र की आयु, यानी कि y प्लस 5। ठीक है बच्चों, इसे हम हल करते हैं। x प्लस 5 बराबर, ये जो 3 है ये y से भी गुना होगा और 5 से भी गुना होगा, ठीक है ना। तो 3 गुना y हो गया 3y, प्लस 3 गुना 5 हो गया 15। यहाँ से x आ गया 3y प्लस 15, ये 5 इधर प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 5 हो गया 10। ठीक है बच्चों, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 3। 3 इसलिए क्योंकि 2 अभी हम लिखेंगे। देखो ध्यान से, दूसरी तरफ हमें कंडीशन दी है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाली एज निकालते हैं। देखो ध्यान से, 5 साल पहले आज जैकब की उम्र है एक्स, 5 साल बाद कितनी होगी, 5 घटा दो, 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स में से 5 घटा दो। जैसे आज आप 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने के होंगे, 15 माइनस 5 यानी 10 साल के। ऐसे आज उसकी उम्र है एक्स वर्ष, 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5 होगी। इसी प्रकार से पुत्र की उम्र आज है वाई, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी होगी, वाई माइनस 5। अब प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये आयु इस आयु का 7 गुनी है, यानी इसको 7 के बराबर करें तो ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैकब की आयु 5 साल पहले वाली पुत्र की आयु 5 साल वाली के 7 गुनी थी। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 7, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। ठीक है बच्चों, 7 गुना y हो गया 7y, माइनस 7 गुना 5 हो गया 35, बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस है। अगले स्टेप में 7y माइनस 35, ये माइनस 5 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 5। अगले स्टेप में 7y माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 गए 30, साथ में बड़ी रकम का निशान माइनस। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 में जो x का मान आया इसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट द, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन x की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
इस इक्वेशन में देखें x बराबर 7y-30, तो x की जगह लिखना है 3y+10, 3y+10 आगे है बराबर बराबर 7y, 7y-30, -30। ठीक है बच्चों, अब हम इसे हल करेंगे। 3y y वाली रकम एक तरफ ले आओ, बिना y वाली दूसरी तरफ। 7y यहाँ बराबर के इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर -30 है यहाँ पर पहले से, ये +10 है उधर जाएगा तो हो जाएगा -10, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4y, 7 में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है -7, इसके साथ निशान माइनस का है तो इसके साथ भी, 4 के साथ भी निशान माइनस का आएगा, बराबर माइनस माइनस होता है प्लस, तो 30 में प्लस हो जाएगा 10 तो बन जाएगा 40, 7 में साइन रहेगा माइनस का। अब अगले स्टेप में y बराबर -40, -4y के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा 10। इसका अर्थ क्या है, y का मान हमारे पास कितना आ गया है 10, y का मान हमारे पास कितना आ गया है 10 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये जो y का मान है, अब इसमें इक्वेशन 3 में रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये है, इसमें y का मान रखने से हमें x प्राप्त होगा, x बराबर 3 गुना y, ये था y, y कितना आया अभी 10, तो y की जगह लिखा 10, प्लस आगे है 10, 3 गुना 10 होता है 30, प्लस 10, तो 30 प्लस 10 कितना होता है 40, इसका मतलब x का मान कितना आ गया है 40 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 40 आ गया है। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, उन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर, देखिए जैकब की वर्तमान आयु कितनी थी, जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, एक्स वर्ष, और एक्स कितना आया है अभी 40, इसका मतलब जो पिता है जैकब उसकी बच्चों उम्र आई है 40 वर्ष। आगे हम निकालेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, देखियो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, वाई वर्ष, और y हमने अभी कितना निकाला है 10, इसका मतलब यह है आज जो पिता है जैकब वो 40 वर्ष का है और पुत्र है वो 10 वर्ष का है, उनकी वर्तमान आयु हमने निकाल दी है। बच्चों आशा करता हूँ ये जो आयु वाला क्वेश्चन है जो कि देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, ये देखिए हमने आपको वीडियो में भी अलग अलग कलर के स्केच यूज करके समझाया ताकि आपको हर पोर्शन अलग अलग दिखाई दे। आशा करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको समझ आएगी और इस जरिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है और मेहनत से वीडियो बनाने का। धन्यवाद।